तो आप बहुत कम यूज कीजिए आईब्रो नहीं, आईब्रो फिलर नहीं करती हूँ। आप लोग डेफिनेटली क्लैप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यमारिया एंड यू आर वाचिंग यमास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फिर से एक मेकअप लुक लेके। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहा था कि दी आप ना ऐसा मेकअप लुक लाइए जो टीनेजर लड़कियां कर सके, जैसे कॉलेज जाना हो या छोटी मोटी पार्टीज में जाना हो, तो इस तरीके का मेकअप लुक उनको चाहिए था। और सबसे स्पेशली उन्होंने ये मेंशन किया था कि विदाउट आईलैशेस उनको ये मेकअप चाहिए। तो मेकअप वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आगे वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे दूंगी कि सिंपल मेकअप लुक को आपको किस तरीके से पार्टी मेकअप लुक में कन्वर्ट करना है। तो वो सारा ही कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में आगे आपको बताती जाऊंगी, तो प्लीज वीडियो को आप पूरा देखना। बेस मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। अगर आप ये सिंपल मेकअप रख रहे हैं, लाइक आपको ये डेली यूज में करना है, या आप कॉलेज जाते समय करना चाहते हैं, तो आप अपने बेस को ना थोड़ा हल्का रखना, लाइक फाउंडेशन यूज मत करना। आप लोग बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं या सीसी क्रीम यूज कर सकते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स। लाइक इसमें हम आईलैशेस नहीं लगाएंगे, तो जब हम आईलैशेस नहीं लगाएंगे तो हम इसमें अच्छा सा एक मस्कारा यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये, मतलब दूसरी यही दोनों थी, तो तीसरी बात ये कि अगर आप पार्टीज के लिए या किसी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं ना, अगर ये वाला लुक आपको करना है तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, डेली बेसिस में अगर आपको ये वाला मेकअप लुक करना है तो आप कॉन्टोरिंग मत कीजिए, क्योंकि क्यों ही इतने प्रोडक्ट्स लगाने फेस पे, ठीक है ना। बिना कॉन्टोरिंग के भी तो हमारा दिन कट ही जाना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ही तो लगना होता है, तो उसके लिए आपको इतना कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने मेरा बेस कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने कंसीलर यूज किया है। नॉर्मली मैं बीबी या सीसी क्रीम प्रिफर नहीं करती हूँ, मुझे वो वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। तो उससे बेटर है हम लोग ना कोई भी अपना कंसीलर यूज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपना कंसीलर यूज करते हैं तो आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपको शादी पार्टी में जाना है तो ही आप फाउंडेशन लगाइए, ठीक है। तो मैंने शुगर की अपना ये कंसीलर स्टिक जो भी है, लाइक लिक्विड कंसीलर है ये, इस तरीके का वॉन्ड है इसका, तो मैंने ये वाला यूज किया है आज अपना बेस कंप्लीट करने के लिए। और अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लिया है। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, मेरे आईब्रोज को फिल कर दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, आईब्रो के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, लाइक अगर आपकी आईब्रोज डेंस हैं, अच्छी ग्रोथ आती है, तो बहुत कम यूज कीजिए आईब्रो फिलर। और नहीं तो जैसे मेरे जैसी आईब्रोज हैं, बहुत हल्की हल्की हैं, तो आप यूज कीजिए आईब्रो फिलर, अच्छा लुक आएगा, एक शेप मिल जाएगी अच्छे से आपकी आईब्रोज को। तो आईब्रोज भी है ना फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फिल कीजिए कि वो थोड़ी नेचुरल लगे, इतनी ज्यादा हैवी ना लगे। तो अब बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि सिंपल लुक होने वाला है, टीनेजर गर्ल्स कर सकती हैं ये, करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ये आई लुक कहाँ कर रहे हैं, लाइक शादी पार्टीज के लिए या कॉलेज या ऑफिस के लिए, है ना। तो इसमें मैं आपको चलो दो टिप दे देती हूँ। पहला, अगर आप ये डेली बेसिस के लिए कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जो आपका ट्रांजिशन शेड होता है ना, वो या तो आप न्यूड में रखिए या तो फिर उसको बिल्कुल लाइट शेड का लीजिए, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप डेली यूज के लिए कर रहे हैं तो आप ना शिमर काइंड ऑफ शेड्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप जितना हो सके न्यूड्स में जाइए, लाइट कलर्स में जाइए, लाइक न्यूड पिंक शेड ले लीजिए, न्यूड ब्राउन शेड ले लीजिए, इस तरीके के आप ना कलर यूज कीजिए। तो मैं यूज कर रही हूँ आज लाइट पिंक शेड, एज अ ट्रांजिशन में यूज करूंगी इसको। और ट्रांजिशन के लिए आप इसको जितना हो सके ना अपने आईलिड्स के ऊपर वाले पोर्शन में ही अप्लाई कीजिए। अब मैं यूज करूंगी ऑरेंज कलर यूज करूंगी, लाइक ऑरेंज शेड यूज करूंगी, वो भी बहुत लाइट शेड है, ऐसा कुछ डार्क ऑरेंज नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो बहुत ही लाल लाल दिखेगा।
लाल मतलब लाल जैसा ही दिखेगा, रेड तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन कॉलेज के लिए फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ही हम लगाएंगे ऑरेंज शेड, इतना करने के बाद में आप क्या कीजिए, अपने इस पूरे एरिया में ना अब लाइट कलर का ब्राउन शेड यूज करना। न्यूड ब्राउन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगर न्यूड में नहीं है तो आप ब्राउन शेड यूज करना, लेकिन वो लाइट कलर का होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मतलब ब्राउन कलर से ही ये जो हमने अभी दो कलर अप्लाई किए हैं ना, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा यू नो ऐसे बैट से जाएंगे, लाइक इतना हमको वो नहीं लगेगा कि भाई कॉलेज में इतना हैवी मेकअप करके आए हैं, है ना। तो बड़े ही हल्के हाथों से आपको अपना ब्राउन शेड अपने आईलिड्स पे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप डन है, लाइक शेडोज का काम खत्म हो चुका है। अगर आपको इसी आई लुक में यू नो हैवी लुक देना है थोड़ा सा, ठीक है, शादी वगैरह में जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, हमने ये जो ब्राउन शेड यूज किया है, अब हम आउटर कॉर्नर पे यू नो डार्क ब्राउन शेड यूज करेंगे, जिससे कि आंखों को ना थोड़ा सा डेप्थ मिल जाएगा। और वो अप्लाई करने के बाद में, लाइक आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करने के बाद में, आप ये आई बॉल पे ना थोड़ा थोड़ा यू नो शिमर शेड भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपका पार्टी लुक हो जाएगा। तो इस तरीके से यू नो आप अपना थोड़ा बहुत दिमाग चला के अपने सिंपल मेकअप को भी थोड़ा सा यू नो पार्टी मेकअप लुक दे सकते हैं। तो अब अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से अपना आई लाइनर। यहाँ पे मेरा आईलाइनर डन हो चुका है। अब जब तक आईलाइनर सूखता है, हम लोग हमारा यू नो फेस मेकअप कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लश लगा लेंगे, हाइलाइटर लगा लेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए लगाते हैं। तो ब्लश के लिए ले लेते हैं ब्रश, ब्लश के लिए ब्रश, ठीक है। तो फ्रेंड्स ब्लश भी हम पिंक शेड में लगाएंगे, बहुत हल्का लगाएंगे, यू नो रोज के लिए तो हल्का ही ब्लश अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। अगर आप लोगों को ब्लश यूज नहीं करना है, लाइक कॉलेज में आप चाहते हैं कि ब्लश लगा के ना जाएं और आपको फिर भी एक नेचुरल सा यू नो पिंकी पिंकी लुक चाहिए, तो आप क्या कीजिए, अपना हाइलाइटर आप ऐसा चूज कीजिए लाइक पिंक शेड में, जो हाइलाइटर का काम तो करेगा ही, साथ में वो आपका ब्लश का काम भी कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आज अपना मेबलिन का यूज कर रही हूँ हाइलाइटर, आपके पास जो हो आप वो यूज करना। तो हाइलाइटर हो चुका है लगा के कंप्लीट, देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो अब हम लगा लेंगे हमारा मस्कारा, जो कि मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। इसका रिव्यू मैंने आपको दिया था फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स मस्कारा लगा के भी कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आ जाती है हमारे काजल की। तो काजल ऑप्शनल है, आप लोग जरूर लगाइए, मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इतना काजल यूज नहीं करती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आता काजल, पता नहीं क्यों, हो सकता है वो मेरे आंखों में चला जाता है, इसीलिए फिर वो मुझे यू नो हटाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ काजल। तो आप लोग जरूर काजल लगाइए। तो अब लगा लेते हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए भी फ्रेंड्स मैंने इस तरीके का न्यूड शेड पिक किया है, आपको जो कलर पसंद आया वो लगाइए, लेकिन अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो प्लीज बहुत लाइट शेड लगाइए, बहुत हल्का सा ही लिपस्टिक का शेड दीजिए, तो ही आपका यू नो मेकअप थोड़ा नेचुरल लगेगा। तो लीजिए यहाँ पे लुक हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट।
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेकअप लुक आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा हो। जिस तरीके का आप लोग चाह रहे थे कि मैं एक सिंपल लुक लेकर आऊँ तो शायद मैं वो क्रिएट कर पाई हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, मेकअप लुक अच्छा लगा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर देना, और हाँ लाइक देना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।